ये दोस्तों आप लोग देख रहे हैं V4 वीडियो। तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं MI सिक्योरिटी कैमरा को लेकर दो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल के बारे में। तो जिन लोगों को MI सिक्योरिटी कैमरा लेना है या फिर लेने वाले हैं, उनके मन में ये दो सवाल जरूर आए होंगे या फिर आने वाले ही हैं। तो उनमें से एक सवाल ये है कि MI सिक्योरिटी कैमरा कितने GB में कितने घंटे की रिकॉर्डिंग करता है, और दूसरा सवाल ये है कि हम MI सिक्योरिटी कैमरा के लाइव फुटेज कहीं से भी देख सकते हैं या नहीं, यानी कि घर की फुटेज हम लोग कहीं दूर बैठ के देख सकते हैं या नहीं। तो दोनों सवालों का जवाब आपको एकदम लाइव वीडियो के सामने मिल जाएगा। तो चलिए इस छोटे से वीडियो में मैं आपके दोनों सवालों का जवाब दे देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक नया MI का होम सिक्योरिटी कैमरा लिया है, और इसे भी मैंने अपनी MI होम ऐप से कनेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पे एक मेरा पुराना वाला है और एक नया वाला है। मैंने पुराने वाले पे वीडियो बनाया, आप लोग आई बटन पे जाके देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नए वाले को ओपन करता हूँ और यहाँ पे प्लेबैक पे जाऊँगा। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी वालों ने खुद लिख रखा है कि इतने GB के कार्ड में इतनी क्वालिटी में इतने घंटे की रिकॉर्डिंग होगी। मैं खुद 16 GB का कार्ड यूज़ कर अपने पुराने कैमरे में और फुल HD में रिकॉर्ड करता हूँ। तो इनके मुताबिक 36 घंटे की रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, लेकिन जो नॉर्मल सिचुएशंस होती हैं वो थोड़ी अलग होती हैं। क्या पता कभी मूवमेंट ज़्यादा है कभी कम है। तो इस हिसाब से चले देखते हैं कि मेरे यूजेस के दौरान कितना घंटे की रिकॉर्डिंग हुई है 16 GB के कार्ड में, वो भी फुल HD की क्वालिटी में। तो यहाँ पे मुझे जाना है प्लेबैक पे, और जो ऑरेंज और ब्लू कलर के आइकन्स हैं ये हावर्स में रिकॉर्डिंग हैं। आप लोग एक बार इनको ऐड कर लीजिएगा। करीब 30 घंटे की रिकॉर्डिंग मेरे यूजर्स के दौरान इस MI होम सिक्योरिटी कैमरे से मिली हैं। तो हम लोग ये मान कर चल सकते हैं कि जितना इन्होंने लिखा है उससे 2-3 घंटे कम ही रिकॉर्डिंग मिलेगी हमें। तो चलिए मैं आपके दूसरे सवाल का जवाब देता हूँ। तो इसके लिए मैं अपने मोबाइल फ़ोन को उस वाईफाई नेटवर्क से डिसकनेक्ट कर देता हूँ जिससे कि मेरा कैमरा कनेक्ट किया हुआ है, और इसके बाद मोबाइल डाटा को ऑन कर लेता हूँ। तो इस समय मेरे मोबाइल और MI सिक्योरिटी कैमरे के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। MI होम ऐप, और आप लोग देख लो यहाँ पे मेरा मोबाइल मेरे खुद के मोबाइल के नेटवर्क के डेटा पे चल रहा है, और ये रहा मेरा दूसरा कैम नया वाला। तो कुछ समय लगता है, उसके बाद आप अपने मोबाइल पर लाइव फुटेज देख सकते हैं। आप लोग चाहे कहीं पर भी हों अपने मोबाइल के नेटवर्क का यूज़ करके, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिले होता है। आप लोग खुद देख लो, अभी तक मेरा इसमें हाथ नहीं आया है जबकि मैंने काफ़ी पहले रख दिया था। ये डिले होता है नेटवर्क की स्पीड की वजह से। अगर आपके घर में अच्छी वाईफाई कनेक्शन है जो कि कैमरे से कनेक्ट है, और आपके मोबाइल पे भी जो नेट कनेक्शन है उसकी स्पीड तेज है, तो ये डिले काफ़ी कम हो जाएगा। तो मुझे लगता है अभी तक आपको दोनों सवालों का जवाब मिल गया होगा कि कितने घंटे की रिकॉर्डिंग और क्या लाइव फुटेज देख सकते हैं या नहीं। लेकिन सुनिएगा, आप लोग अपने MI सिक्योरिटी कैमरे में अच्छी क्वालिटी के मेमोरी कार्ड का ही यूज़ करिएगा, ताकि कोई भी दिक्कत आपको फेस ना करनी पड़े, क्योंकि सिक्योरिटी का मामला है। तो इसके अलावा अगर आपको कोई भी सवाल बचा तो कमेंट कर देना, और डिस्क्रिप्शन में मैं आपको MI कैमरे और एक अच्छे मेमोरी कार्ड के लिंक दे दूंगा, अगर आपको मन है तो खरीद भी सकते हैं। साथ ही और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, और हमारे वीडियो को लाइक जरूर से कर देना।